काफी होगा ये जेम पापा जे प्लस मारिया डीबी प्लस पी एच पी प्लस पर्ल। तो मैंने कहा इसे डाउनलोड कर लिया, उसके बाद इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ से नेक्स्ट कर दीजिए और यहाँ पे आपको क्या क्या सिलेक्ट करना है, तो अपाचे और माई एस क्यूल जो हमारे काम आएंगे और ये एक पी एच पी माई एडमिन इसको कर लीजिए। बाकी अगर आपको पी एच पी और पर्ल की अगर इसमें कोडिंग सपोर्ट करनी है तो ये सबको जो है मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट कर लेते हैं। वही थी आपको है कहाँ पे सेव करना है, तो मैं सी में जो है इसको सेव करता हूँ जेम में। द सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी, प्लीज सिलेक्ट डिफरेंट फोल्डर। ठीक है, ऐसे पहले बना हुआ था ठीक है ना इसी नाम से, तो उसको जो है इसमें डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने एक बार पहले भी जो है इसको इंस्टॉल किया था। ठीक है, चलिए गाइस अब इसको वापस नेक्स्ट करते हैं। तो ये गाइस यहाँ पे बना लिया है, नेक्स्ट कर देते हैं अब हम इसको। और ये गाइस यहाँ से थोड़ा इंस्टॉल होने में जो है, ये देखिए गाइस थोड़ा इसको छोड़ देते हैं नेक्स्ट, और ये गाइस यहाँ से जो है इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने में जो थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक के लिए इसको मैं पॉज कर देता हूँ। तो ऐसे कि इसके बाद में आपसे पूछेगा डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, तो इसको फिनिश कर दीजिए और यहाँ पे जो है चेक लगा दीजिए। तो ये गाइस फिनिश हो जाएगा और यहाँ से देखिए हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये पूछेगा कि आपको लैंग्वेज कौन से की सिलेक्ट करनी है, इंग्लिश या फिर जर्मन, तो डेफिनेटली इंग्लिश करना है आपको। और ये गाइस देखिए हमारा जेम सर्वर जो है चालू हो गया है। तो गाइस ये देखिए अभी चालू नहीं होगा, भले ही ये जो है हमको शो हो रहा है कि चालू हो गया हो। ठीक है, तो गाइस रिफ्रेश कर लेते हैं अब तक हम पीसी को जो है किसी केस में कर जाता है, किसी केस में नहीं करता है। तो गाइस मेरे जो है रन कर गया ये, ठीक है ना, ये देखिए गाइस। और यहाँ से जो है आप माई एस क्यू एल का जो है स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों का हो गया। लेकिन अगर किसी के जो है अगर ये नहीं चल रहा हो, मान लीजिए आपके अगर अपाचे जो है नहीं चल रहा हो, तो कॉन्फिग में जाइए और यहाँ पे गाइस जाके आप जो है चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, इसका जो है वो चेंज कर सकते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ पोर्ट। ठीक है ना, तो पोर्ट चेंज कर लेना और पोर्ट चेंज करके भी जो है आपका जो है काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गाइस ये हो गई। और अब जो है हमको चेक करना पड़ेगा कि किस टाइप से जो है डैशबोर्ड में शो हो रहा है। ठीक है, तुमको चेक करना है गाइस यहाँ से, देखिए लोकल होस्ट लिखना है सिर्फ, और ये बता देगा गाइस कि देखिए हम कनेक्टेड हो चुके हैं। चाहे से गाइस ये नेट जो है मैं डिस्कनेक्ट करके बताता हूँ आपको, ताकि आपको लगे कि हाँ डेफिनेटली जो है ये काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास जेम का ऑप्शन आ गया। तो ये देखिए गाइस इसको जो है मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया इसीलिए, ताकि जो है आपको जो है अच्छी तरह समझ में आए। ठीक है, तो लोकल होस्ट, ठीक है, तो बिना नेट के भी जो है ये काम कर रहा है। तो गाइस ये तो जो है हमारी पहली स्टेप हो गई है, सबसे पहले कि हमने जो है जेम को इंस्टॉल कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग माय वीडियोस। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है तो उसके लिए जो है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आए तो आपको इंस्टेंटली पता लग जाए, तो उसके लिए नोटिफिकेशन का बेल आइकन आ रहा है, इस पे क्लिक कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।